आज तो हम ऐसा सजेंगे कि पिया की मन को भा जाएंगे। आज तो हम ऐसा सजेंगे कि पिया की मन को भा जाएंगे। आज तो हम ऐसा सजेंगे कि पिया की मन को भा जाए। रानी साहिबा, आप भी कमाल करती हैं, कमाल करती हैं आप। रानी साहिबा, आप हमारे मन को पहले से ही भाई हुई हैं। हमारे लिए आपको ये अलग से सजने सवरने की क्या जरूरत है? तो आप क्या चाहते हो, हम दासियों की तरह लगे? अरे नहीं नहीं रानी साहिबा, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। कैसा मतलब था फिर? हम आपको पागल दिखते, कुछ समझते नहीं आपकी बातों को। नहीं साहिबा, हमसे गलती हो गई कि हमने कुछ कहा, हम चलते हैं। गलती हो गई तो माफी मांग लीजिए ना, जाने की क्या जरूरत है? हमेशा आप हमसे दूर ही भागना चाहते। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आज ना हम बड़े खुश हैं। ओहो, फिर तो हम तुरंत उठ के यहाँ से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप बहुत खुश होती हैं, हमारा शाही खजाना बहुत कम हो जाता है। बताइए कौन सा नया जेवर चाहिए आपको? ओ, जहां पना, हम आपसे कोई जेवर नहीं मांगने वाले। जेवर देने वाला हमें कोई मिल गया है। क्या रानी साहिबा, रानी साहिबा ये क्या कह रही हैं आप? एक जेवर के लिए आप किसी और का हाथ? रानी साहिबा, हमने सोचा था कि हम दोनों साथ में जिंदगी बिताएंगे, साथ में बूढ़े होंगे, साथ में बूढ़े होके साथ में खासेंगे, साथ में कापेंगे, साथ में छींकेंगे, साथ में उल्टी करेंगे। जहांपनाह, हम ये सब करेंगे बूढ़े होकर, साथ में उल्टी भी करेंगे। अरे अरे, किसी और का मतलब अंधे बाबा, अंधे बाबा, अंधे बाबा मिल गए हमें। अंधे बाबा? अंधे कौन? अंधे बाबा रानी साहिबा, अरे कैसे बादशाह आप? पूरी रियासत में अंधे बाबा की जय हो रही है और आपको अंधे बाबा कौन है पता नहीं है। जहांपनाह, आपको ये अंगूठी याद है? अंगूठी? इस अंगूठी को हम कैसे भूल सकते हैं? इसके लिए 3 दिन तक भूखे रहे थे हम। 3 दिन तक आपने हमें खाना नहीं दिया था, जब तक हमने ये अंगूठी लाके आपको नहीं दी। ये सब छोड़िए ना जहांपनाह, अब ये देखिए, एक जैसी दो अंगूठियां। हाँ, अंधे बाबा ने एक जैसी दो अंगूठियां बना दी अपने चमत्कार से। इतने चमत्कारी बाबा है वो। अच्छा है ना चमत्कार? हम तो कहते हैं आप भी हमारे साथ चलिए बाबा के पास। नहीं 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 नहीं, हम एक ही काफी हैं, हम दो नहीं बनना चाहते। क्या? अरे हम कह रहे हैं रानी साहब, आप क्या कर रही हैं? 16वीं सदी में आप अभी भी ऐसे बाबाओं पर विश्वास कर रही हैं? ये सारे के सारे बाबा ढोंगी होते हैं, ढोंगी। बाबा के लिए एक शब्द भी कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी आपसे बुरा कोई है भी नहीं। क्या? रानी साहिबा छोड़िए ना इन चीजों को। हमने आपको वो 500 सोने की मोहरे एक थैली में डालकर दी थी, वो दीजिए हमें जरा। वो तो हमने बाबा को दे दी। क्या? क्यों? दक्षिणा में। कहाँ रह गए बीरबल, हम कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। उर्वशी, हमें आप सब। उर्वशी जी, छोड़िए छोड़िए। क्या? यूं खींचा तानी करना छोड़िए और ये बताइए आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए? हाँ। हाँ। क्या? आपका पैर। क्या? मतलब वो, हम कब से बाहर आपका इंतजार कर रहे थे, आप अपने कक्ष से बाहर नहीं आई तो हमें चिंता होने लगी। छोड़िए, हमारी चिंता करना छोड़िए। जब भी आप हमारी चिंता करते हैं ना, हमें और ज्यादा चिंता होने लगती है। नहीं उर्वशी, शाही खून है हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तक आप हमारे साथ बाहर नहीं जाएंगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हाँ, हम यहीं रहकर सांप और हाथी से आपकी रक्षा करेंगे। और आप दोनों से हमारी रक्षा कौन करेगा? छोड़िए और बाहर चलिए, अब तो हमें भी यहाँ पर डर लगने लगा है। चलिए। हाँ चलिए चलिए। चलिए। अरे हम जाएंगे पहले। और उर्वशी जी रुकिए। आइए आइए, आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं।
क्यों? ताकि हम पीछे से ध्यान रख सके कि कहीं कोई हाथी या सांप तो नहीं आ रहा। और अगर कुछ आगे से आ गया तो? आप है ना आगे, क्या हम ही सब कुछ करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ चलिए ना, चलिए। कुछ नहीं हो रही जी, ये तो पागल हो गया है। आप जाइए जाइए। हाँ, लेकिन हम भी यहाँ क्यों जा रहे हैं? हमारे प्यारे बीरबल तो वहाँ होंगे। प्यारे बीरबल? अरे अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अरे अब्बा हुजूर, अरे ये तो उठ ही नहीं रहे, क्या करें? मुझे पता है क्या करना है, फिर आओ। दुश्मनों ने महल पे हमला कर दिया है अब्बा हुजूर। हल्ला बोल, कहाँ है दुश्मन? अरे दुश्मन नहीं है, हम हैं अब्बा हुजूर। ओहो, फिर तो सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे, जो हर वक्त हमारी जान के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा बस चले ना, सबसे पहले आपका सफाया करें हम यहाँ से, आपका। लेकिन अभी आप खड़े हो जाइए, वरना अम्मी जान आपका सफाया कर देंगी, आपका। ऐसा क्यों? क्योंकि अम्मी जान अपने साथ एक बहुत ही बड़े, बहुत ही खास मेहमान को लेकर यहाँ आ रही है। आ गई आ गई। आइए आइए बाबा, आइए आइए आइए। अरे ओ, 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 बाबा बाबा, अंधे बाबा, यहाँ यहाँ बस यहाँ आ जाइए। देखिए कौन आया है, अंधे बाबा। चलिए चलिए उठिए चलिए। इनको लेके महल के अंदर कहाँ आ गई आप? अपमान, घोर अपमान। ये क्या कर रही है, अपने आप को मार क्यों रहे हैं? आपने इनका अपमान किया, किसी और की गलती की सजा वो अपने आप को देते। किसकी मार है? सच बाबा पाखंडी है, ढोंगी है, चोर है, धोखा देना इनकी फितरत है। बस कीजिए, अगर और एक शब्द बाबा के बारे में बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए चलिए उठकर प्रणाम कीजिए, चलिए। प्रणाम बाबा। खुश रहिए। यहाँ यहाँ खड़े, इनको क्या पता चलता है? कान खोल कर सुन लीजिए सब लोग, जिसको भी बाबा को मानना है माने, ना मानना है ना माने, उनकी मर्जी। लेकिन अगर बाबा का अपमान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुत्री, आपने हमें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? बाबा वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक ऐसी समस्या है जिसका कोई उपाय ही नहीं है। हमारे जहाँ पना है ना, हमारी कोई भी बात नहीं मानते। बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए, कोई इलाज बताइए, जिससे जहाँ पना हमारी सारी बात मानने लग जाए। इसके लिए बादशाह सलामत को हर वक्त अपने एक ही पैर पर खड़े रहना पड़ेगा। बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए, कोई इलाज बताइए, जिससे जहाँ पना हमारी सारी बात मानने लग जाए। इसके लिए बादशाह सलामत को हर वक्त अपने एक ही पैर पर खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे दो पैर हैं। फिर भी आपको एक ही पैर पर खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है बाबा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बा हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब्बा हुजूर अपने दोनों पैरों पे तो ठीक से खड़े नहीं हो पाते, एक पैर पे क्या खाक खड़े होंगे। चलिए 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 चलिए, फैसला हो चुका है, जहाँ पना एक पैर पे खड़े हो जाइए। चलिए हम अपने एक पैर पे कैसे खड़े हो सकते हैं, हमारे पास दो पैर हैं, ऊपर वाले ने हमें दो पैर दिए, एक पैर पे खड़े होंगे तो दूसरे पैर को बुरा नहीं लगेगा, दूसरा पैर दर्द नहीं करेगा। वही तो, जैसे जैसे पैर में दर्द बढ़ेगा, रानी साहिबा के लिए आपका प्यार बढ़ेगा, आपका प्यार बढ़ेगा तो रानी साहिबा की आप बात मानने लगेंगे। अरे वाह। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।